डोनाल्ड ट्रंप ने सार्क कंट्रीज के 7 मुस्लिम देशों में H1B1 वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में शरणार्थियों के आगमन को निलंबित करने और 7 मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों के लिए कड़े नियम वाले नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये वादा किया था। आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों से अमेरिका को सुरक्षित कर रहे हैं। इस आदेश के तहत 7 मुस्लिम देश ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर वीजा पाबंदियां लगा दी गई। अपने शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म पूरे देश के लिए खतरा है और विश्व से इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ट्रंप ने आदेश के बाद पेंटागन में कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका में विदेशी आतंकियों को घुसने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। मैं कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका में घुसने से रोकना चाहता हूँ। हम केवल उन्हें ही अपने देश में प्रवेश करना देना चाहते हैं जो हमारे देश का समर्थन करें और हमारे लोगों को प्यार करें। बता दें कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कट्टरपंथी आतंकवादियों के खात्मे का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि CIA ऐसा करने के लिए योजना बनाएगी। इस आदेश के बाद 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को 90 दिन तक वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन उनके इस फैसला का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, JK247 न्यूज, दिल्ली। बॉलीवुड का रास्ता बहुत लोग अपनाते हैं, यानी कि बॉलीवुड में बहुत लोग कदम रखते हैं। और बात करें टॉलीवुड की, तो टॉलीवुड से भी बॉलीवुड में बहुत लोग आते हैं और काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और इन्हीं में से एक है श्रुति हसन। और आज श्रुति हसन का जन्मदिन है। श्रुति हसन 31 साल की हो चुकी है और आज अपना बर्थडे अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट कर रही है। टॉलीवुड से बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले श्रुति हसन का आज 31वां जन्मदिन है। श्रुति का जन्म 28 जनवरी 1986 में चेन्नई में हुआ था। बॉलीवुड टॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाले दिग्गज अभिनेता कमल हासन और सारिका ठाकुर की श्रुति बड़ी बेटी है। इनकी छोटी बहन अक्षरा हसन भी कुछ कम नहीं है, अपनी बहन की तरह ये भी खूबसूरत है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही श्रुति हसन ने कैलिफोर्निया में म्यूजिशियन इंस्टीट्यूट से म्यूजिक की डिग्री ली है। आपको बता दें कि श्रुति को बचपन में सिंगिंग करने का शौक था। आज ही के दिन 1986 में श्रुति का जन्म हुआ था। श्रुति चेन्नई के रहने वाली है। आपको बता दें कि श्रुति के पापा यानी कि कमल हसन है, जो कि बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय किए थे और बॉलीवुड में उन्होंने अपना काफी ज्यादा नाम कमाया है। श्रुति की एक बहन है जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। श्रुति शुरू से अपने पापा की तरह मल्टी टैलेंटेड रही है और इसकी वजह से वो 8 भाषाओं की जानकार है। साथ ही श्रुति डांस भी बहुत अच्छा करती है और वो गाती तो है ही। श्रुति ने बचपन में स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया था। श्रुति ने अपने पिता की तरह अपनी अलग पहचान एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर बनाई है। श्रुति बचपन से चाहती थी कि उनके खुद की पहचान बने, यूं ना हो कि लोग उनको कमल हासन की वजह से इंडस्ट्री में जगह दें। तो पापा की तरह ही बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाली श्रुति हसन बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस है और उनकी एक्टिंग के दीवाने काफी ज्यादा लोग हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पूजा दुबे, JK247 न्यूज के लिए। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। बीते रात हुए इस हादसे में करीब 4 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी ने ऑटो को टक्कर मार दी। बीती रात 12 बजे करीब इस हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ये घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम के करीब नहर के किनारे इलाके की है। एक तरफ जहां ऑटो के परखच्चे उड़ गए, वहीं ऑडी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार के एयरबैग तो खुल गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है, जिनकी पहचान कानपुर की रहने वाली रिंकू यादव के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि रिंकू नोएडा में HCL में काम करती थी। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला की भी मौत हो गई थी। महिला की पहचान रिंकू देवी के तौर पर की गई है। कैमरामैन अशोक के साथ आशीष पराशर, JK247 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के चलते सर्दी ने दोबारा वापसी की। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से सर्दी ने दोबारा वापसी की। आसपास के इलाकों में शीतलहर के बाद कोहरे की चादर फैली। शनिवार सुबह से ही दिल्ली में जबरदस्त कोहरा रहा। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा। 20 ट्रेनें देरी से चली, जबकि 2 के समय में बदलाव किया गया। कोहरे से हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा।
आज सुबह से ही दिल्ली में जबरदस्त कोहरा रहा, जिसका असर दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर साफ दिखा गया। दिल्ली में 8 घरेलू और 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में 26 और 27 जनवरी के आसपास बारिश का अनुमान जताया था। अनुमान के मुताबिक बारिश से दिल्ली और NCR में ठंड काफी बढ़ी, जबकि शुक्रवार को यूपी के कई इलाकों में बारिश के बाद शीतलहर से सर्दी की वापसी हुई। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के सभी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द बना हुआ है। बात करें पहाड़ी इलाकों की तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते मौसम सर्द बना हुआ है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ प्रिया दुबे, JK247 न्यूज दिल्ली। दिल्ली में NCC के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में NCC के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। मोदी ने कहा कि भारत में 65% युवा हैं और यही देश की असली शक्ति है। मोदी ने इस दौरान खुद के NCC से लगाव को जाहिर करते हुए कहा, मैं आप लोगों जैसा अच्छा नहीं था, इसलिए कभी दिल्ली में परेड के लिए मेरा चयन नहीं हो सका। मोदी ने कहा कि NCC के कैडेट्स अपने परिवार और उससे भी बढ़कर समाज में बदलाव के लिए बड़ी पहल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 65% युवा हैं और वो देश की ताकत हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि NCC एक अलग अनुभव है। मोदी ने कहा, राजा, शासक या सरकार किसी देश को नहीं बनाते, बल्कि शहरी युवा, किसान, स्कॉलर, वैज्ञानिक, श्रमिक और साधु राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मोदी ने NCC कैडेट्स की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें देखकर वो भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मोदी ने नोटबंदी और कैशलेस मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं आप सभी को देखता हूं, तो युवा शक्ति पर मुझे गर्व होता है। भारत और खासकर भारत के युवा तेजी से तकनीक को अपना रहे हैं, इस मुहिम को जारी रखने की जरूरत है। NCC कैडेट्स ने हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पेमेंट को और प्रोत्साहन दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCC के प्रति अपनी भावना को जाहिर करते हुए कहा कि मैं भी NCC का छात्र रहा हूं, लेकिन शायद मैं आप जैसा अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा चयन नहीं हो सका था। कैमरा पर्सन अशोक सिंह के साथ पराग गुप्ता, JK247 न्यूज दिल्ली। पंजाब के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और इसी सिलसिले में आज पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुखबीर सिंह बादल को उन्हीं के विधानसभा हलके में घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अकाली और बीजेपी सरकार पर हमले करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। पंजाब में चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनेताओं के सियासी हमले अपने विरोधियों पर बढ़ते जा रहे हैं। जलालाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बादल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बादल सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि जलालाबाद डिप्टी CM सुखबीर बादल की पैतृक सीट है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल पर जमकर बरसे। सिद्धू ने कहा कि बादल साहब हाथ जोड़कर और मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। सिद्धू के मुताबिक बादल सरकार ने 10% सेवा की है और 90% मेवा हासिल की। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसी सिलसिले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पंजाब का दौरा करके वहां रैलियां कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने 4 जगह रैलियां करके अकाली बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के घर में जाकर उन्हें ललकारने के साथ साथ अकाली बीजेपी की नाकामियों को लेकर जनता को कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश की है। नवदीप छाबड़ा, JK247 न्यूज दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हमेशा से ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक्टिव रहते हैं और भारतीय मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में शहीदों की मदद को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है और केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की है। वही ऐप के जरिए देश का कोई भी नागरिक देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए बलिदान करने वाले या फिर किसी अभियान में घायल होने वाले किसी सैनिक को वित्त या अन्य मदद दे सकेगा। माना जाता है कि BSF के महानिदेशक KK शर्मा ने भी मंत्रालय में कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान वहां अक्षय को हाथ मिलाने वाले और सेल्फी लेने वाले लोगों ने घेर लिया था।
अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने दो वीडियो शेयर किए थे जिसमें उन्होंने शहीदों की मदद को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक ऐप लॉन्च की बात कही थी जिसके जरिए शहीदों की मदद की जा सके। अभिनेता अक्षय कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि से मुलाकात की और माना जा रहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के साथ अर्धसैनिक एवं पुलिस बलों के लाखों पुरुष एवं महिला कर्मियों को बेहतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कुमार ने महर्षि से उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मुलाकात की। माना जाता है कि अक्षय कुमार ने गृह मंत्रालय के तहत आने वाले CRPF, BSF, ITBP, CISF एवं SSB के अधिकारियों एवं जवानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अभिनेता ने हाल में सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक विचार साझा किया था जिसमें उन्होंने इस तरह के एक ऐसे मोबाइल ऐप को बनाने का सुझाव दिया था। अब देखना ये होगा कि अक्षय कुमार की ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है, लोग इससे कितना जुड़ पाते हैं और ये कितनी सफल हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।